नमस्कार मित्रों, बेस्ट प्लेसेस के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम आपको नागपुर के टेकड़ी गणेश मंदिर ले चलते हैं। टेकड़ी गणेश मंदिर को विदर्भ के अष्टविनायकों में सबसे पहला गणपति माना जाता है। नागपुर के लोगों के लिए ये आराध्य दैवत है। टेकड़ी गणेश मंदिर नागपुर रेलवे स्टेशन रोड पर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। मराठी में छोटी पहाड़ी को टेकड़ी कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर को टेकड़ी गणेश मंदिर से लोग जानते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान टेकड़ी गणेश के बारे में कहा जाता है कि ये गणेश मूर्ति स्वयंभू है, यानी ये मूर्ति खुद प्रकट हुई थी। मूर्ति आज भी पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान है। टेकड़ी गणेश मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि 250 साल पहले नागपुर रेलवे स्टेशन बनाने के लिए जब पहाड़ी को डायनामाइट के ब्लास्ट करके तोड़ा जा रहा था, तब कुछ लोगों को एक पीपल के नीचे विराजमान गणेश की यह मूर्ति मिली थी। ये वही पहाड़ी है जहां 26 और 27 नवंबर 1817 में नागपुर के मराठा राजा अप्पा साहेब भोसले और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रसिद्ध सीताबर्डी की लड़ाई लड़ी गई थी। मान्यता है कि आज से करीब 250 साल पहले भोसलेकालीन इस प्राचीन मंदिर में भोसले राजघराने के राजा महाराजा युद्ध पर जाने के पहले अथवा कोई भी शुभ कार्य करने से पहले इस मंदिर में आते थे और फिर अपने कार्य पर जाते थे। बताया जाता है उस वक्त इस शहर में चारों तरफ पानी भरा होता था, ऐसे में राजा महाराजा नाव के सहारे इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। बहुत से नागपुरकर मानते हैं कि मंदिर आसपास के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, पर ऐसा है नहीं। टेकड़ी गणेश मंदिर में विराजमान मूर्ति तो करीब 250 साल पुरानी है, पर मंदिर का निर्माण 1978 में शुरू हुआ था और मंदिर 1984 में बनकर तैयार हुआ। मंदिर निर्माण के लिए गणपतराव जोशी नामक श्रद्धालु और उनके साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। टेकड़ी गणेश मंदिर के टाइमिंग के बारे में बताना जरूरी है। टेकड़ी गणेश मंदिर हर रोज सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है और रात 12 बजे मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। सुबह मंदिर के द्वार खुलने के साथ ही 6:30 बजे मंगल आरती होती है। दोपहर 12:30 बजे मध्यान्ह आरती का समय होता है। शाम 7:30 बजे संध्या आरती की जाती है और रात 11:30 बजे शायन आरती की जाती है और उसके बाद में मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं। टेकड़ी गणेश मंदिर हमेशा खबरों में रहता है क्योंकि नागपुर में आने वाले कई सेलिब्रिटी टाइम निकालकर मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। खास करके सचिन तेंदुलकर जब भी नागपुर आते हैं तब इस टेकड़ी गणेश मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।